एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और साड़ी देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है बताइए, क्या लग रहा है? बताओ नहीं। इन्होंने बोल दिया तो मैं यहाँ से कट कर दूंगी, इन्होंने बता दिया। साड़ी देखकर वैसे आप लोग गेस कर ही लिए होंगे, और जाने के बाद पता चलेगा। हाय, कौन है? पापू है। और बाबू कहाँ जा रहा है? तो चलिए चलते हैं, हम थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं रास्ते में। बाय बाय मन्नी, बाय बाय बाय। चलो चलो चलो। अरे रुको, पापा जूता तो पहने हैं। पापा जूता पहने यार, घड़ी 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 उससे होगी ना, रुक सा देते हैं। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। एयरफोन है इसमें, बैग में। कौन सी लगाओगे? ये वाली तो निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर पे। तो अब हम जा रहे हैं निकलने के लिए, और लॉक कर रहे हैं ये बोतल। ले ली कुशन लिया मन्नी? हाँ, सर पे रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मुझे वोमिटिंग आ रही थी, और जब मैं वोमिटिंग करने के लिए नीचे वोमिटिंग कर रही थी तो मोर को देख के मेरी वोमिटिंग रुक गई। सच बता रही हूँ कि इतना प्यारा डांस कर रहा था ये। पहले तो जब मैंने इसे देखा, देखो मोर इनको बताने लगी, फिर ये पीछे जाके छुप गया, और देख रहे हो कैसे पंखों को फैला कर डांस कर रहा था यार। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सच बताऊँ। धीरे धीरे ये फैलता जा रहा था, देख रहे हो आप। पहले इनके पंख कितने पास दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन से, अभी ये देखना बिल्कुल फैल जाएगा धीरे धीरे, बहुत ही बड़ा हो गया है। काफ़ी प्यारा लग रहा था। कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बट मैंने देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैंने बहुत ही इंजॉय किया। तो ये चीज़ तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी ही करनी थी। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है ना देख पाए हों रियल में, तो मेरे थ्रू कम से कम देख ही लो। आप देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है, और जब मेरा दिल करेगा तो मैं इसको आराम से मैं भी देख लूँगी। आप देख रहे हो, और जब इसे डांस करना हुआ तो पीछे जाके छुप गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, मैंने इनको बोला जाकर पास कर लो पास से, लेकिन ये कहे कि जब मैं पास जाऊँगा तो भाग जाएगा ये। तो गाइस, आप कमरे की एंट्री देखिए, जैसे मैंने एंट्री की, एक खटिया, फिर पीछे खटिया, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। रिमझिम ने किसी तरीके से खटिया बिछाई, यानी कि खाट छोटी वाली, इसी में आलू प्याज, बक्से पे अचार वचार आप देख सकते हो। मैं अपना बक्सा भी नहीं खोल सकती थी कि कुछ निकाल सकूँ। मैं ऐसी पूरा दिन ऐसे ही मैंने खाट पर बिता दिए। और ये रुकने के लिए हम गए थे एक दो दिन के लिए, लेकिन ये कंडीशन देख कर इन्होंने साफ मना कर दिया। बोल रहे थे हर बार कुछ ना कुछ इसमें भर ही जाता, जैसे स्टोर रूम बन गया है। और बाबू की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे इन्फेक्शन एलर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो मन तो करता कभी कभी कि हाँ, इससे अच्छा बाहर ही बैठे रहो, अपने कमरे में ना हो। बस इसी कमरे में जितना कबाड़ होता है इसी कमरे में रख दिया जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। कहते हैं ना, जो नहीं बोलता है उसके साथ ही ऐसा होता है। खैर छोड़िए, चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोगों से। तो गाइस, बैकग्राउंड देखकर आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। आ जाओ वर्धन जी, आ जाओ। तो बैकग्राउंड देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे हम कहाँ हैं। और ये है मेरी बिटिया, कौन बताइए? नहीं तुमने बताओ, बताइए कौन है, कमेंट करके बताइएगा, कई बार बताए। तो बस अभी हमें एक डेढ़ घंटे लगभग आ गए हैं, और खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं कहीं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, है ना? कहाँ जा रहे हैं बताना नहीं है, ठीक है? वहाँ चलेंगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल पता चल ही गया होगा, मैं बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम आ चुके हैं मेरे ससुराल, यानी कि मेरे गांव। और अभी डेढ़ घंटे से मैं रेस्ट कर रही थी, जैसा कि आपको पता है कि मुझे वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है और दिक्कत होती है, तो इसी वजह से हम लोग लेट हुए थे। और इनकी पढ़ाई वढ़ाई की बात हो रही थी, ऑनलाइन जो होती है वो। तो बस अब चलते हैं हम लोग कहाँ, आज कुछ है तो वहाँ पर फटाक से चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? कहाँ जा रही बाबू, कहाँ जा रही है दिखाओ? देखो क्या क्या लिए सब लोग, देखो कहाँ जा रहे हैं, देखो दिखाओ, कहाँ जा रही हो? रिमझिम क्या लिए दिखाओ, क्या लिए दिखाओ, घोड़ा। चल हाँ, चलते ये मट्टी खा रही है। मट्टी नहीं खाओ बेटा, चलो चलो आओ।
कोई है? एक मिनट रुक जा, मैं इसको बुला लूं। किसको? वो इतनी धूप है, कितनी तेज धूप है, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग आपको भी पता चल जाएगा, है ना। सो गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, आज पहली बार छोरी सोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई देख तो, पहली बार मैं इधर साइड आई हूँ, वरना घर से इससे पहले कभी मैं पैदल घर छोड़कर नहीं निकली थी। आज कितने साल हो गए मुझे? 4 साल ना, 4 साल हो गए हैं। और ये देखिए आ गए हम कहाँ, पहली बार गांव का मजा लिया मैंने, ससुराल के गांव का। ये देखिए पेड़ बड़ा छोटा नहीं है, कौन सा वो वाली जाएगा। अच्छा लग रहा है, ये देखिए बैकग्राउंड, और चिल्लर पार्टी आई है मेरे साथ। कोई बड़ा नहीं, सब छोटे छोटे है ना। चिल्लर पार्टी, बोलो हाय करो, हाय करो, हाय हाय। तो किस लिए आए हैं अभी पता चलेगा आपको, है ना। इसी में झूला डालता हर साल, और पीछे जाता है वहाँ जो यहाँ डालू, अभी रुको। और पीछे का बैकग्राउंड देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। फर्स्ट बार मैं यहाँ पे आई हूँ, इससे पहले ससुराल से कभी बाहर नहीं निकली थी, फर्स्ट बार है। तो चलिए डालो डालो, देखो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता चलेगा अभी क्या कर रहे हैं ये लोग। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखिए डलना था झूला जो डल चुका है, रस्सी से उतर जाओगे। अरे बाप रे, झूला झूलोगी क्या? हाँ तुम झूलाओगी नहीं क्या? झूलाओगी? वो पहले ही झूलने लगा, कुर्सी पे नहीं, ईटा मांगी थी। तो हम लोग आए थे झूला डालने के लिए, सभी लोग झूलेंगे। सही बात है, बहुत ऊपर है मम्मी। ऊपर तो कहाँ है ऊपर? यहाँ पर मम्मी आ गई थी झूला डालने के लिए, क्योंकि मम्मी लोग जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो सभी लोग झूला झूलते हैं। और झूला डालने के बाद जो होता है चींटी महारानी, जो भी मतलब भगवान को या जो भी झुलाया जाता है, तो वो मम्मी इनको झुला रही थी, और मैं भी यहाँ पर झूली थी। तो मेरी कंडीशन क्या हुई थी आप खुद ही देख लेना। हाँ चलिए ना, अब हम टेढ़ा मत मानना, तेज मत करना, अरे सिर तो हटाओ, तो झुला दे रिया, चप्पल हटा, कोई झुला है, चप्पल उतार दो, अरे बैठी मैं कुछ रुक जाएगा अपने आप, आज
फिर तो मैं झूले से बहुत ही ज्यादा डरती हूँ, लेकिन इन सबको देख के मेरा भी दिल कर गया। लेकिन जब झूला झूली तो मेरी तो नानी मम्मी दादी सब याद आ गई थी, हालत बहुत खराब हो गई थी। थोड़ी सी चीज मैंने आप लोगों को दिखाई दी और इसके बाद फिर बाबू भी झूल रही थी। बाबू इतने मजे से झूल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, जितना मैं और इनके पापा डरते हैं झूले से, उन ये उतने ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। आपको देखो कितने प्यार से झूल रहे हैं सब लोग, है ना, देख रहे हो आप। इससे कोई भी डर नहीं लग रहा, आराम से बैठी हुई। और ये जो साइड साइड में दो लोग खड़े हैं, इससे बोलते पैन पैंग पैंग मारना शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब बोल लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन पता है बस भूल जाती हूँ, यही प्रॉब्लम है मेरी। पैंग मारना इसको बोलते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। सो गाइस अभी कितने बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं और हम आ गए हमारे छत पे। बाबू सो रही है बाहर, अंदर बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी थी आज, इतनी ज़्यादा उमस की हुई थी कि हम लोग परेशान हो गए। और अभी अभी जस्ट लाइट चली गई और मौसम एक बार की इतना ज़्यादा प्यारा कर दिया। रिमझिम आई थी कहाँ छत पे, क्या कहते चाची को देख रहे बाबू से दूध। हाँ बाबू को बॉटल में दूध पीने की आदत है ना सोते समय, लिप कलर सुबह से लगा हुआ मी मैट का है, कितना प्यारा है ना। तो क्या हुआ कि ये था कि जाओ दूध पूछ लो, दूध पूछने आई तो देखी मौसम इतना प्यारा और बाबू गर्मी में परेशान थी, सो रही थी। तो फिर बोली चाची चलो ऊपर, मौसम बहुत ही अच्छा है, बाबू को भी ले चलते हैं। तो बेचारी ये लेकर आई है, हम लोग इसको बोलते हैं कथरी और तुम लोग क्या बोलती हो, दसना बोलती, दसना यहाँ पर इनके लैंग्वेज में दसना बोलते हैं। और हमारे वहाँ पर ये देखी चाची चाची सास मेरी नहा, अभी नहाई है क्या, तो बस अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बैठेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे बताओ रिंजी, वहाँ रास्ते पे गुड़िया को पीटने। गुड़िया पीटी जाती है आप लोगों के यहाँ पता होगा तालाब में, लेकिन यहाँ पर गांव में मेरा फर्स्ट बार है, पहली बार मैं देखूंगी, इससे पहले मैंने नहीं देखा। तो चलिए जब चलेंगे तब मिलेंगे, अभी हो सकता फिर मिलने, है ना। और चाची वहाँ पर कपड़े फैला रही हैं, और ये उधर वाला भाभी का रूम है जिधर कूलर रखा हुआ है, और ये अंजू का है, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि अंजू का सारा सामान अभी यहाँ पर पैक है और रहती वो नीचे है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4:00 और हम सब लोग जा रहे हैं रंग लगाने के लिए, चाची मम्मी सभी लोग, क्योंकि बारिश होने लगी। ये देखिए काफ़ी तेज़ी की बारिश हो रही है, ये देखिए इसमें दिख नहीं रहा, बाबू भी सो रही थी, सोकर उठ गई जब हम लोग छत पे थे, बारिश होने लगी थी फिर नीचे आ गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बाबू नहीं करो, तो अब हम लोग जा रहे हैं रंग लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट से लगा लेते ए बाबू। और ब्लॉग का एंड मैं यहीं से कर दूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूंगी। तो ये ब्लॉग मैं यहाँ से एंड करती हूँ और दूसरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं ना, वहाँ पर अंधेरा है तो फ्रंट कैमरे से नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा, लाइट नहीं है, मैं आंगन में खड़ी हूँ, बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है।